गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको क्लास टू की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका पाठ है तीन, चैप्टर तीन है जो है समझदार किसान। पाठ का क्या नाम है? समझदार किसान। अब शुरू कर रहा हूँ। एक बूढ़ा आदमी था, ब पर बड़ाऊ की मात्रा, बूढ़ा आदमी था। उसकी दो बेटियां थीं, बेटियां पर चंद्रबिंदु लगा हुआ है। उनमें से एक का विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ। उसकी पहली बेटी का विवाह किसके साथ हुआ? कुम्हार के साथ हुआ। और दूसरी का एक किसान के साथ। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। और किसान कौन होता है? जो खेती बाड़ी का काम करता है। तो उनमें से एक का विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ और दूसरी का एक किसान के साथ। खड़े पाए। एक बार, बप आ की मात्रा है, बार वह आदमी अपनी दोनों बेटियों से मिलने चला। एक बार वह आदमी अपनी दोनों बेटियों से मिलने चला। बेटियों पर बिंदु लगा है, ट में छोटी की मात्रा है। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया। पहले वह बूढ़ा आदमी कहाँ गया? जो है अपनी बड़ी बेटी के पास गया, जिसकी शादी कुम्हार के साथ हुई थी, और उसका हाल चाल पूछा। उसने कहा, यानी कि बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी कामा, इस साल हमने बहुत मेहनत की है और बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं। क्या कहा? कि पिताजी, इस साल हमने बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम की है और बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं। बस अगर वर्षा न हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। खड़ी पाए। लेकिन अगर बरसात न हो, अगर बारिश न हो, तो हमारा कारोबार जो है खूब चलेगा। बेटी ने पिता से आग्रह किया। बेटी पिता से आग्रह की, पिताजी आप भी प्रार्थना करें कि वर्षा न हो। बेटी ने पिता से क्या कहा? कि पिताजी आप भी प्रार्थना कीजिए कि वर्षा न हो। अच्छा, वर्षा न हो। पाठ तीन का यहाँ तक पढ़ाया हूँ। अब क्या करना है आपको? अपनी कॉपी खोल लेनी है। कॉपी अपना खोल लीजिए लिखने के लिए। अब आपका राइटिंग वर्क होगा जो है पाठ तीन। ऊपर लिख लेंगे पाठ तीन कॉपी के ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे? समझदार किसान। ऊपर पाठ तीन और नीचे समझ, द पर आ की मात्रा, दार किसान। यहां से यहां तक पहले लिख लीजिए। अब आगे बढ़ रहे हैं। ये आपको लिखना, फर्स्ट ऐसे गोला बना देना है, इधर शब्द है और इधर क्या है? अर्थ है। पहला क्या है आपका? कु आधा म, ह पर आ की मात्रा, कुम्हार। कुम्हार, ह पर आ की मात्रा, हार, कुम्हार। कुम्हार किसे कहते हैं? वह जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। म पर छोटी की मात्रा, मी। टॉप पर हलंत और टॉप पर बड़े की मात्रा। वह जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो शब्द के नीचे क्या लिखेंगे? कुम्हार। और अर्थ में क्या लिखेंगे? वह जो मिट्टी का बर्तन बनाता है। इसको आप लिख लेंगे। अब आपका दूसरा है,
किसान, क पर छोटी की मात्रा की, ये दंत स है, दंत स पर आगे खड़ी पाई है जो है आ की मात्रा हो गई किसान। किसान का अर्थ क्या होता है, वह जो खेती बारी का काम करता हो, वह जो खेती बारी का काम करता हो। तो शब्द के नीचे लिखिए किसान और अर्थ के नीचे लिखिए वह जो खेती बारी का काम करता हो, खड़ी पाई। अब आगे बढ़िए, आपका तीसरा है मेहनत। मेहनत का अर्थ क्या होता है जो है परिश्रम, प रि ये श्र है म परिश्रम। अब चौथा क्या है आपका कारोबार। कारोबार का मतलब क्या होता है, जीविका निर्वाह के लिए किया जाने वाला काम, जो घर का खर्च चलाने के लिए, स्कूल का फीस देने के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं जो है कारोबार। जीविका निर्वाह के लिए किया जाने वाला काम। अब आपका है पांचवा आग्रह। अ पर खड़ी पाई है यानी कि आ की मात्रा है आग्रह, ग पर ये लगा हुआ है जो है। आग्रह का मतलब क्या होता है, हठ पूर्वक प्रार्थना। अब आइए सिक्स पर, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, परमात्मा का मनन और उसका अनुभव। प्रार्थना किसे कहते हैं, परमात्मा का मनन होता है और उसका अनुभव। अब ये सातवां क्या है आपका वर्षा। वर्षा का मतलब क्या होता है, बरसात। अब आगे बढ़िए जो है, अब क्या है आपका जो है, अब आपका सेकेंड है सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए। जो विकल्प सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है, इसको लिख लेंगे सेकेंड, सही विकल्प पर सही के निशान लगाइए, इसको आप लिख लीजिए। पहला, बड़ी बेटी का विवाह एक डैश है के साथ हुआ। आपके पास तीन ऑप्शन है, मुची के साथ हुआ, राजमिस्त्री के साथ हुआ कि कुम्हार के साथ। तो सही विकल्प क्या है, कुम्हार, यानी कि बड़ी बेटी का विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ। कुम्हार पर आप टिक कर लेंगे लिख करके। दूसरा, छोटी बेटी का विवाह एक डैश है के साथ हुआ।
छोटी बीबी का विवाह तीन ऑप्शन है, डाकिया के साथ हुआ, किसान के साथ हुआ या शिक्षक के साथ हुआ। तो छोटी बेटी का विवाह एक किसान के साथ हुआ, छोटी बेटी का विवाह एक किसान के साथ हुआ, लिख लेंगे। अब आपका तीसरा, बड़ी बेटी ने पिता से कहा कि हाँ माने, बड़ी बेटी ने पिता से कहा कि हमने बड़ी संख्या में पर बिंदी है, डैश बनाए हैं पर भी बिंदी है। क्या बनाए हैं बड़ी संख्या में? स्वेटर बनाए हैं, कंबल बनाए हैं कि बर्तन बनाए हैं? तो आपका सही विकल्प क्या है? बर्तन। यानी कि बड़ी बेटी ने पिता से कहा कि हमने बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं। बर्तन पर आप टिक कर लेंगे। अब आपका चौथा है, अगर वर्षा न हो तो हमारा डैश खूब, ख पर बढ़ाव की मात्रा है, खूब चलेगा, खड़ी पाई। क्या खूब चलेगा? पहला कारोबार खूब चलेगा, या ट्रैक्टर खूब चलेगा, या मशीन खूब चलेगा। तीन ऑप्शन है आपके पास, सही क्या है? कारोबार। यानी कि अगर वर्षा न हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा, आपको कारोबार पर टिक लगा देना है। पांचवा, पिताजी कॉमा दिया गया है, आप डैश करें, रे पर बिंदु है, कि वर्षा न हो। तो पिताजी आप पूजा पाठ करें, यज्ञ करें या प्रार्थना करें? तो सही विकल्प क्या है? प्रार्थना। यानी कि पिताजी आप प्रार्थना करें कि वर्षा न हो, आपको प्रार्थना पर टिक लगा लेना है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर होमवर्क सुन लीजिएगा। होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपका शब्द अर्थ कराया हूँ और MCQ मतलब सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इन सब को आपको क्या करना है? बोल बोलकर अच्छी राइटिंग में मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में रीराइट करनी है, यानी कि दोबारा आपको लिखना है। बोल बोल कर लिखेंगे, आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस हो जाएगी। बस समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।